हेलो, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। और लास्ट की वीडियो में मैं आपको ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो और सर्किट, ये सभी पॉइंट डिस्कस किए थे। करंट और चार्ज का जो फ्लो है उनकी डायरेक्शन की, जैसे अभी चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट। तो अभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये जो आप छोटे छोटे ब्लू कलर के सर्कल देख पा रहे हैं, अगर मैं कन्वेंशनल फॉर्म में दिखाऊं करंट, तो वो करंट इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, इस डायरेक्शन में चलता हुआ, राइट। तो अभी यहाँ जो लास्ट में बोल रहा था कि अगर आपको ये सिंबल की फॉर्म में चाहिए तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो अभी बल्ब का सिंबल ये है, यहाँ रजिस्टर का ये है, स्विच का ये है, बैटरी का ये, वायर ये है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ और एज इट इज इसको ये पॉइंट पे यूज करते हैं। अब क्या था कि यहाँ पे एक ही बैटरी है, अगर सपोज किया मैं दूसरी बैटरी भी यूज कर लूँ तो क्या होगा। और इसको करंट को रहने देते हैं इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये एक बैटरी मैं और यूज कर लेता हूँ इसको, और कनेक्ट करेंगे हम पैरेलल में इस इधर इसके साथ में, और दूसरा जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसको भी हम इधर इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो देखेंगे कि वोल्टेज में कोई चेंज आया या करंट में चेंज आया। नाउ यू कैन सी कि अभी ये क्या हो रहा है कि अभी करंट का फ्लो नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है यहाँ ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और आपने इधर इसको कर दिया है ये दोनों पैरेलल में, और यहाँ पे वोल्टेज जो है इसके बीच 26.41 हुआ है। अगर मैं ये स्विच अभी कट करता हूँ तो अभी 29 था, अभी वोल्टेज अब ज़्यादा है। जब पैरेलल में इसको कनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज कम हो गया, और जो करंट का फ्लो था वो अभी प्रॉपर पूरे सर्किट में नहीं हो पाया है, राइट। तो अभी ये एक बार आप दोबारा देख लें इस चीज़ को कि भाई इसको मैंने इनके साथ कनेक्ट किया तो इसके यहाँ यहाँ जो है वोल्टेज वो 26.46 हो गया है, राइट। और इधर कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, करंट जो फ्लो करता है वो केवल इन दो सेल के बीच में करता है। और यहाँ हम इसको जो बोलते हैं वो पैरेलल सर्किट बोलते हैं, पैरेलल जो है बैटरी जुड़ा हुआ है आपस में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी अगर मैं फिर इसको दोबारा कनेक्ट डिसकनेक्ट करता हूँ तो वो ये है। तो अब करंट को जो है इस रास्ते से अब जा रहा है, पहले किस रास्ते ऊपर ही पर कर रहा था, इस रास्ते को। तो अब एक दूसरा पॉइंट और भी है कि बैटरी को अगर मैं उल्टा जोड़ के देख लूँ तो क्या होगा। ये केवल एक्सपेरिमेंट यहीं के लिए है, रियल के लाइफ के लिए नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिए। इसके थ्रू हम केवल कोई पॉइंट समझ सकते हैं कि वो कैसे होगा, राइट। तो रियल लाइफ में हो सकता है कि स्पार्क हो जाए, तो अभी आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये स्पार्क हो चुका है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ ऐसा आप ये माइनस था ये प्लस था, तो अभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो इसमें ऐसे दिखाई पड़ रहा है, और कन्वेंशनल जो करंट है वो इसके अपोजिट ऐसे चलते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, तो ये वायर आपने जोड़े तो ऐसे। तो वोल्टेज के अभी कोई डिफरेंस नहीं आया, वो अभी भी उतनी है। अगर इसको हटा देंगे तो ये 29 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस है बिटवीन इस पॉइंट के और इस पॉइंट के, इन दो बैटरी की अब अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो वो वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे कम हो जाता है। लेकिन अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये बैटरी मैं लेके आया, ये यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, तो मैं इसको इसी वे में कनेक्ट कर दूंगा। ये कनेक्ट कर दिया है और इसको इस वे में कनेक्ट कर दिया है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जो वोल्टेज का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ 29 है और इस पॉइंट पर अगर मैं रखूँगा तो वो 38 हो चुका है, राइट। तो सीरीज में क्या हुआ कि जो बैटरी की वोल्टेज है वो बढ़ गई है। तो अभी और कुछ ऐसा एडिशनल हम लोगों ने पॉइंट नहीं किया है, तो इसको मैं दोबारा इसी के साथ कनेक्ट कर दूं, और ये एक्स्ट्रा था तो इसको साइड में रख लेंगे। तो वोल्टेज डिफरेंस जो है अक्रॉस दीज टू बैटरीज वो आप देख पा रहे हैं 38 वोल्टेज है।
तो अगर इसमें से आप अभी यहाँ जो करंट है वो 1.92 एम्पियर का फ्लो करता है, और इससे पहले जो कर रहा था उसको भी देख लेते हैं जब ये सीरीज में नहीं था। तो यहाँ क्या करते हैं कि इस सेल को एक साइड में हम रख लेंगे और इस वायर को इस रेजिस्टेंस से पहले यहाँ जोड़ देंगे। तो अब ये 1.47 है, यहाँ वोल्टेज घट चुका है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि करंट जो सर्किट के अंदर है और ये आपका जो मैं पहले चार्ज दिखा रहा था। तो अभी कुछ एडिशनल पॉइंट यहाँ पर हैं, वैल्यूज भी आप उसकी देख सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, जो बल्ब है वो कितने ओम का है, वायर की रेजिस्टिविटी, बैटरी का रेजिस्टेंस, वो हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 29.5 वोल्टेज का है। अभी मैं वायर, ये जो वायर आप देख पा रहे हैं, इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता हूँ तो क्या करंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? यस, अभी आप देख रहे हैं कि वोल्टेज में भी चेंज आया है और करंट में भी चेंज आया है। अगर मैं वायर की रेजिस्टिविटी कम करता हूँ, यहाँ 29 वोल्टेज है, यहाँ 1.47 है, तो अभी क्या हुआ कि यहाँ जो वोल्टेज है वो कितना हुआ, कम हुआ या ज़्यादा हुआ? कम हुआ है, राइट। तो और इधर जो करंट है वो कम हुआ है ज़्यादा हुआ है? वो भी कम हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम वायर की रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो करंट का फ्लो भी कम होगा और वोल्टेज जो डिफरेंस होगा अक्रॉस दी बैटरी वो भी आपका कम हो जाएगा। अब बैटरी का रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, राइट। तो ये बैटरी है 29.5 वोल्ट की और इसका रेजिस्टेंस अभी 5 ओम है। यहाँ पर करंट कितना है, 1.18 वोल्टेज डिफरेंस आप अक्रॉस दिस वो आ रहा है 23.60। तो इस तरीके से ये अभी यहाँ अगर मैं रेजिस्टेंस को और कम करूँगा तो ये करंट और इंक्रीज होगा। तो इस टाइप से ये हम लोग इसका वेरिएशन देख सकते हैं। और किसी भी, जैसे ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को सेलेक्ट किया और इसकी वैल्यू भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये रेजिस्टेंस अगर बहुत बढ़ा दिया जाए, 85, 80, 90 ओम कर दिया है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि करंट ऑलमोस्ट रुक ही चुका है, नहीं, प्रो जो चार्ज का फ्लो है वो रुक चुका है। तो ये रेजिस्टेंस वेरी करने से क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो रुकेगा, राइट। तो यहाँ ये पॉइंट हम लोग देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस, चाहे वो वायर का है चाहे रेजिस्टेंस अलग से यूज किया है, जैसे कि ये रेजिस्टर यूज किया था, तो उसका वैल्यू चेंज करने से भी, हायर करने से भी चार्ज का फ्लो रुकता है। तो सिंबल की फॉर्म में आप देख लें तो वो इस तरीके से है, राइट। तो अगली वीडियो में इनके कुछ कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस के साथ में, सीरीज में, पैरेलल, लाइक दैट। इस वीडियो के लिए इतना ही।